सीएम मनोहर लाल खट्टर विशेष चर्चा कर रहे हैं, वहीं करो करते हैं। शनिवार को मैं हरियाणा सरकार अथवा केंद्र सरकार की बहुत सी स्कीमें उनके लाभार्थियों से किसी न किसी एक वर्ग से बात करता हूं, लेकिन आज सीधे लाभार्थियों से बात तो मैं नहीं कर पा रहा हूं, बल्कि समाज के ऐसे लोगों को जो लाभार्थी हैं उनको सरकारी योजना उसका लाभ पहुंचाने वाले जो एक माध्यम के रूप में काम करते हैं ऐसे बंधुओं से बात करता हूं। क्योंकि आज मैं जो राशन डिपो धारक, जिनको पीडीएस की दुकानें कहते हैं, ऐसे राशन डिपो धारकों से बात कर रहा हूं और सरकार की जो सस्ते राशन देने की योजना है उसको राशन पहुंचाने का काम आप करते हैं। जिनको राशन पहुंचाया जाता है, जो गरीब लोग हैं, ऐसी संख्या लगभग 32 लाख के आसपास है, जो कि हमारे हरियाणा प्रदेश की कुल मिलाकर के लगभग 45% ये जनसंख्या हिस्सा बनती है। अब आप एक सेवा के नाते से इधर सरकार से जुड़े हैं और उधर सरकारी योजना के जो लाभार्थी हैं उनके साथ आप जुड़े हैं, सरकार की योजना का सीधा लाभ उन तक पहुंचाते हैं, एक प्रकार का आप अपना व्यवसाय भी करते हैं और एक सेवा का काम भी उनके साथ मिलकर के करते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आपसे बात करके आज मैं जरूर इस बात की जानकारी बाद में लेना चाहूंगा कि कहीं आपके कार्य करने में कोई कठिनाई आ रही है, अथवा जो लाभार्थी हैं जो राशन प्राप्त करते हैं ऐसे लोगों को कोई कठिनाई आ रही हो तो आप सीधा अगर हमको जानकारी देंगे तो निश्चित रूप से इन समस्याओं को भी हम दूर करेंगे। मित्रों, जैसा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में अंत्योदय अभियान चलाया है और उस अंत्योदय अभियान के अंतर्गत हर गरीब व्यक्ति की पेट की भूख मिटाना ये उसका उद्देश्य है और उसी उद्देश्य के माध्यम से एक प्रकार से योजनाएं चलाई गई। और मैं यदि कोविड-19 जो महामारी फैली थी उस समय की अगर चर्चा करता हूं तो दरिद्र नारायण को जो भी सहायता दी आपके माध्यम से दी गई, बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से वो किया गया और सब लोगों ने उस समय आपकी भी सराहना की, मोदी जी की भी सराहना की, सरकार की भी सराहना की। अब ये काम हम लोग जो कर रहे हैं ये आज से नहीं है, ये आजादी के समय से चल रहा है और आजादी के समय जैसी इसकी जरूरत हुई थी उस समय शुरू किया गया था। उस समय थोड़ा प्रकार अंतर से कुछ काम ऐसे थे जो हम सीधा करते थे, आज युग बदल गया है, टेक्नोलॉजी ने भी उसका सहारा लिया है। उस समय राशन हमारे पास पहुंचता था, राशन लेने वाले आते थे, बहुत से लोगों को उनकी शिकायत होती थी कि हमको राशन नहीं मिला, हमको राशन कम मिला, हमारा राशन कोई और ले गया, हमारा राशन कार्ड कट गया, ऐसी बहुत सी चीजें ये सब होती थी। पुराने राशन कार्ड उनके अंदर सदस्य बढ़ाना, सदस्य कम करना, ये भी आसानी से होता नहीं था, तो ये सब चीजें हमारे माध्यम से ही होती थी, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये सब चीजें बहुत सरल हो गई हैं, बहुत आसान हो गई हैं। पहले हम अपने रजिस्टर रखते थे, उसके अंदर सब कुछ लिखना होता था और कभी भी उसका जो जांच करने वाले लोग आकर के जांच करते थे, लेकिन आज सब चीज एक प्रकार से ऑटोमेशन के माध्यम से ऑटोमेटिक हो गया है। हमको POS की मशीनें मिल गई हैं और POS की मशीन के माध्यम से ही हर व्यक्ति का, कार्ड धारक का हिसाब रखा जाता है कि कितना राशन उसने लिया है, कितना नहीं लिया है। यदि इस महीने कोई व्यक्ति राशन नहीं ले जा सका है तो अगले महीने शेष बचा राशन भी वो ले जा सकता है। हमारे यहाँ कितना सामान आया है, कितना राशन मिला, कितना नहीं मिला, ये सब हिसाब किताब भी उसमें रखा जाता है। हमारा स्टॉक कितना है ये भी पता लगता है। कोई व्यक्ति अगर शिकायत करता है तो उसकी शिकायत भी उसी के हिसाब से दूर कर दी जाती है। कभी कभी तो राशन आने का समय निश्चित नहीं होता था, लोग हमको पूछते रहते थे कि राशन कब आएगा, कब नहीं आएगा, और आप जैसे लोग भी ये सुन सुन के जवाब दे दे के कई बार थक जाते थे। लेकिन अब टेक्निकल तौर पर हमने जब भी राशन की सप्लाई आपकी दुकान पर होती है उसी समय SMS करके मोबाइल के माध्यम से उनको संदेश दे दिया जाता है कि अब राशन पहुंच गया है दुकान पर, आप अपना जाकर के राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम बने हैं, इस सिस्टम ने आपके काम को भी सरल किया है
और सरकार के काम भी सरल किया है, उपभोक्ता जो है उसके काम को भी सरल किया है। आप सब लोग लगभग 9,434 जो दुकानें स्वचालित जो पीडीएस की दुकानें हैं उन मशीनों के माध्यम से पीओएस का जो मशीनों का उपयोग करते हैं वो पीओएस की दुकान जो मशीनें हैं वो भी आपको उपलब्ध करा दी गई हैं, इसलिए कोई कठिनाई आती नहीं है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमने इस बार जो एक आदेश निकाला है कि राशन की दुकानें, ये भी महिला सशक्तिकरण के नाते से जो प्रयोग किया कि 33% महिलाओं को राशन की दुकानें दी जाएंगी, तो जो नई राशन की दुकानें खुलेंगी उसमें महिलाएं अगर अप्लाई करती हैं तो प्राथमिकता के तौर पर उनको जो है वो दिया जाता है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि जो डीलरों की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी हम सरकारी तौर पर आपके हित के हितधारक जो है पीडीएस हितधारक उसकी भी समस्याओं का हल करें, ऐसा हमने काम किया है। राशन में आप सब लोग गेहूं और चावल तो देते ही हैं, साथ में कभी कभी जब योजना बनती है उसमें दालें दी जाती हैं, कभी तेल दिया जाता है, चीनी भी दी जाती है, कभी नमक की भी सप्लाई होती है। जो आवश्यक चीजें हमको गरीब जनता को सप्लाई करनी होती हैं वो सब चीजें आपके माध्यम से की जाती हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा एक और काम जो किया कि कभी कभी कोई परिवार अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता था तो उसको राशन कार्ड भी बदलवाना पड़ता था, एक दुकान से दूसरी दुकान पर ले जाने के लिए उसको बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की योजना अनुसार एक राष्ट्र एक राशन कार्ड इस योजना को चलाया ताकि कोई व्यक्ति राशन कार्ड कहीं भी किसी भी दुकान पर ले जाकर के राशन लेना चाहता है तो वो ले जाकर अपना राशन ले सकता है, किसी को भी कठिनाई नहीं आती है। और मैं विश्वास करता हूं कि आपने भी किसी भी व्यक्ति को चाहे कहीं और प्रदेश का या किसी और स्थान का आपके पास आया होगा निश्चित रूप से आपने उनको राशन दिया होगा, इसमें कोई कमी ना आने दें। हर किसी को खाने का अधिकार उसको मिला हुआ है तो उसको राशन का प्राप्त करने का भी अधिकार है, हमारे पास उसका नाम दर्ज है अथवा नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति राशन कार्ड लेके आया है तो उस राशन कार्ड के हिसाब से उसको जो माल जो सामान उसका देना है ये जरूर हम ध्यान रखेंगे। एक बात कभी ऐसी भी ध्यान में आती है कि आपके जो राशन यानी लेने वाले लोग हैं जो भी हितधारक हैं आपको सब पता होता है कौन व्यक्ति कैसा है। हमारी योजना गरीब व्यक्ति के लिए है क्योंकि सरकार के ऊपर साधनों का सरकार के पास जो संसाधन है उसके ऊपर अधिकार अगर है तो गरीब व्यक्ति का है। यदि आपको लगता है कि कोई गरीब व्यक्ति छूट गया है हमारे दायरे से बाहर रह गया है तो उसके नाम को निश्चित रूप से आप हमारे तक पहुंचाएं ताकि तुरंत उसका जो है राशन कार्ड बनाया जा सके। हाँ, एक दूसरा भी विषय कभी कभी होता है कि व्यक्ति गरीब तो नहीं है लेकिन किन्हीं कारणों से उसने अपना राशन कार्ड बनवा लिया, वो अगर राशन लेकर के जाते हैं तो निसंकोच आप वो भी बताइए, हम उस व्यक्ति को भी समझाएंगे, उसकी जानकारी भी लेंगे, उसके जो आय होती है उस आय की भी हम उसके तथ्य जांचेंगे, तो उनको कहेंगे कि एक गरीब आदमी का अधिकार किसी मध्यम वर्ग के या किसी ऊंचे आय वर्ग के व्यक्ति को उसको नहीं लेना चाहिए। हमने तो अपनी ओर से एक बहुत बड़ी सुविधा की है, देश भर में आज जो बीपीएल है उसकी आय सीमा 1,20,000 रुपया वार्षिक है, हमने उसको बढ़ा करके पहले से ही 1,80,000 रुपया वार्षिक कर दी है, तो इस नाते से भी बड़ी संख्या में राशन कार्ड हमने पिछले दिनों बनाए, लगभग 12.5 लाख राशन कार्ड जनवरी 2023 में एक क्लिक के ऊपर हमने बनाए थे, इसलिए अब ये कोई शिकायत नहीं कर सकता कि मेरे आय मेरी कम है फिर भी मेरा राशन कार्ड नहीं है, हमने अपनी ओर से पूरा प्रयत्न किया है। फिर भी आपके माध्यम से यदि हमको जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से इसका भी हम हल निकालेंगे और हम उनको राशन देने की व्यवस्था ये सारी पूरी करेंगे, आपके माध्यम से करेंगे। मुझे ये भी ध्यान है कि आपके राशन की दुकान के कारण से हो सकता है आपका व्यवसाय उतना ज्यादा न चल पाता हो, आपको अतिरिक्त आय कैसी हो इसकी भी समय समय पर हम चिंता करते हैं, आपकी जो नई योजनाएं हैं उन योजनाओं के ऊपर भी आप कोई सुझाव देंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे, आप उसके अतिरिक्त कोई ना कोई और अपना काम कर ही रहे होंगे अन्यथा राशन की दुकान के साथ साथ अन्य कोई काम भी करें, इसलिए आपकी खुशहाली उसमें मैं समाज की खुशहाली देखता हूं, आप खुशहाल बने और आपका व्यवहार निश्चित रूप से सरकार की योजनाओं को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भले आप सरकारी राशन की दुकान का काम करते हैं लेकिन लोगों के मन में ये सरकारी राशन की बजाय दुकान को ही सरकारी कह दिया जाता है
कि ये सरकारी दुकान का राशन है, तो सरकारी राशन का दुकान होना एक बात है, राशन का सरकारी दुकान में होना ये दूसरी बात है। जो लोगों को लगता है कि आपकी दुकान सरकारी दुकान है, तो जो आपकी छवि है वो सरकार की छवि बनेगी। इसलिए निश्चित रूप से आप कभी भी ऐसा कोई काम न करें जिससे सरकार की छवि पर भी फर्क पड़े या आपकी छवि पर फर्क पड़े। शुद्ध सात्विक काम करना, यही आपके लिए एक प्रकार से अपेक्षित है। और मैं आपको आपके इस आत्मविश्वास को, यानी जो समाज में भी आप आत्मविश्वास भरते हैं, उस योजना को भी, मैं उस काम को भी आपकी सराहना करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आप गरीब आदमियों की सेवा करते हैं। आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी हर समस्या के समाधान के लिए हम आपके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।